नमस्कार दोस्तों, मैं शिवानी आज के इस कार्यक्रम में आपका फिर से स्वागत करती हूँ। पेट के बल लेटने के बाद ठुड्डी को जमीन पर रख देंगे, दोनों पैर मिले हुए पंजे बाहर की ओर, दोनों हाथों को छाती के अगल बगल रखेंगे, कोहनियां ऊपर की ओर, सांस भरते हुए दोनों कोहनियों को खोलेंगे और नाभि से शरीर को ऊपर उठाते रहेंगे, कोहनियां सीधी गर्दन ऊपर। यहां पर आने के बाद अब सांसों की गति सामान्य रूप से चलती रहे, रीढ़ की हड्डी पूरी मुड़ी हुई, कोहनियां सीधी और गर्दन ऊपर। लगभग 15 से लेकर 25 सेकंड तक यहां पर शरीर को रोक के रखेंगे, उसके बाद लंबा सांस भरेंगे, सांस बाहर छोड़ते हुए दोनों घुटनों को मोड़ेंगे और शरीर को पीछे ले जाएंगे, पूरा शरीर पीछे की ओर खींचेंगे, सांस को बाहर छोड़ते हुए अब यहां पर 20 से 25 सेकंड तक रोक कर रखेंगे और इतनी देर तक सांसों की गति सामान्य रूप से चलती रहे। पीठ को पीछे खींचेंगे, हाथों को बाहर खींचेंगे, अब लंबा सांस भरते हुए भुजंगासन में आ जाएंगे। इस अभ्यास में पूरे खिंचाव को अनुभव करेंगे, पेट के ऊपर, छाती के ऊपर और गले के ऊपर, ठुड्डी को ऊपर खींचेंगे, फिर सांस बाहर छोड़ते हुए शशांकासन, पूरी पीठ खींची हुई, कमर खींची हुई, कंधे हाथ खींचे हुए, पीठ को पीछे खींचेंगे और हाथों को सामने खींचेंगे, फिर सांस भरते हुए भुजंगासन और कोहनियों को मोड़कर अब ठुड्डी को जमीन पर रख देंगे और वापस आ जाएंगे। इस अभ्यास को दोनों तरफ से भुजंगासन और शशांकासन 6-6 से 8-8 बार तक करेंगे और प्रत्येक आसन में लगभग 20 से 30 सेकंड तक शरीर को रोक कर रखेंगे। इसके बाद कुछ एक लंबे सांस भरेंगे शरीर को ढीला छोड़कर, दोबारा से ठुड्डी को जमीन पर रख देंगे, दोनों घुटनों को मोड़ेंगे, अपने दोनों घुटनों में 4 से 5 उंगलियों का फासला देंगे, दोनों हाथों से पांव की एड़ियों को पकड़ेंगे, कोहनी सीधी रहे, धीरे धीरे सांस भरते हुए पूरे शरीर को पेट के ऊपर लेकर आएंगे, आगे से कंधे, छाती और ठुड्डी को ऊपर उठा देंगे और पीछे से घुटने और जंघाएं, धनुरासन। रोक कर रखेंगे यहां पर, सिर्फ शरीर को रोकेंगे, सांसों को नहीं रोकेंगे। धीरे धीरे वापस आ जाएंगे। धनुरासन का अभ्यास 3 से लेकर 5 बार तक करेंगे और प्रत्येक बार में 20 से लेकर 40 सेकंड तक शरीर को रोक कर रखेंगे। इसके बाद अभ्यास करेंगे पर्वत आसन। ठुड्डी को जमीन पर रखेंगे, दोनों पैर के पंजों को सीधा कर देंगे, हाथों को छाती के अगल बगल रखेंगे और यहां से पूरे शरीर को हाथों और पैरों के ऊपर लेकर आएंगे और पीठ को ऊपर उठाते हुए अपने माथे को घुटने की तरफ खींचेंगे, एड़ियों को जमीन की ओर खींचेंगे, यहां पर शरीर को रोक कर रखेंगे लगभग 45 सेकंड से 1.5 मिनट तक, गर्दन अंदर की ओर, एड़ियां जमीन की ओर, पूरी पिंडलियां खींची हुई, पीठ खींची हुई, जंघा खींची हुई, पूरे गर्दन और कंधों पे भी खिंचाव। अब धीरे धीरे दोनों पैरों को एक एक कदम चल के
आगे की ओर लेकर आते रहेंगे। घुटने सीधे और हाथों को जमीन से ऊपर उठाते रहेंगे। यहां से धीरे धीरे सामने की ओर आ जाएंगे, ऊपर की ओर और पीछे। हाथों को वापस ले आएंगे। इतना अभ्यास कर लेने के बाद कुछ लंबे गहरे सांस भरेंगे, लगभग 2 से 3 मिनट रुक जाएंगे। लंबे सांस भरने के बाद एक अंतिम अभ्यास और करेंगे, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण अभ्यास है, सूर्य नमस्कार। सूर्य नमस्कार के अंतर्गत 12 आसनों का अभ्यास होता है। पहले चक्र में दाएं पैर को पीछे लेकर जाएंगे, दाएं पैर को आगे ले आएंगे। दूसरे में बाएं पैर को पीछे लेकर जाएंगे और बाएं पैर को आगे ले आएंगे। तो यह है सूर्य नमस्कार का पूरा एक अभ्यास संपूर्ण होता है। तो अब इसका प्रदर्शन करते हैं। अपने स्थान पर दोनों पैरों को मिलाकर खड़े हो जाएंगे, हाथों को साइड में रखेंगे, जंघाओं के गर्दन सीधी रहे। प्रणाम आसन, सूर्य नमस्कार पहला आसन। सांस भरते हुए साइड से हाथों को ऊपर खींचेंगे, सांस छोड़ते हुए हाथ सामने वक्ष स्थल के समक्ष लेकर आएंगे। हस्त उत्तान आसन, पूरा पीछे, पाद हस्त आसन, अश्व संचाल आसन। दाएं पैर को पीछे ले जाएंगे, पीछे वाला घुटना सीधा, आगे वाले पूरे घुटने को मोड़ेंगे और ऊपर की ओर देखेंगे। पर्वत आसन, अष्टांग नमस्कार। शरीर के 8 अंग जमीन पे, 2 हाथ, 2 घुटने, 2 पैर, दोनों हाथों के बीच में छाती रखेंगे और हाथों से आगे ठुड्डी। भुजंग आसन, पर्वत आसन। अभी हमारा दायां पैर पीछे गया था, अब दाएं पैर को ही उठाकर दाएं घुटने को मोड़ेंगे और दोनों हाथों के बीच में ले आएंगे। पाद हस्तासन, हस्त उत्तानासन, पाद हस्तासन। अभी यह अभ्यास आधा हुआ है, अब इसको पूरा करेंगे जब हमारा बायां पैर पीछे जाएगा। पर्वतासन, अष्टांग नमस्कार। भुजंगासन, पर्वतासन, अश्व संचालासन। अब बाएं पैर को आगे ले आएंगे। पाद हस्तासन, हस्त उत्तानासन, प्रणामासन। यह सूर्य नमस्कार का एक अभ्यास पूरा हुआ। इस प्रकार से धीरे धीरे अभ्यास को बढ़ाएंगे। पहले 1 सप्ताह सूर्य नमस्कार 2 से लेकर 3 बार तक करेंगे, दूसरे सप्ताह 3 से लेकर 6 बार तक, तीसरे सप्ताह 6 से लेकर 8 बार तक, और इसी क्रम में अभ्यास को बढ़ाते रहेंगे। अभ्यास करने से पहले कुछ बातों का ध्यान रखेंगे। पीठ में दर्द होने पर, चक्कर आने पर, उच्च रक्तचाप, हाई ब्लड प्रेशर होने पर बहुत ज़्यादा आगे ना झुकें और अभ्यासों को धीरे धीरे करें। अभ्यास करते समय शरीर में खिंचाव या झटका उत्पन्न ना करें, बिल्कुल धीमी गति के साथ सहज रूप से अभ्यास को करें। 2-3 बातों का स्मरण में रखते हुए अभ्यास को सुरक्षित रूप से करें और इतना अभ्यास कर लेने के बाद लगभग 3 से 5 मिनट के लिए
अपने स्थान पर लेट जाएंगे शवासन में और शरीर को बिल्कुल ढीला छोड़ते रहेंगे। पीठ के बल लेट जाएंगे, हाथों पैरों में फासला देकर आंखें कोमलता से बंद कर लेंगे। इस प्रकार से नियमित रूप से यदि अभ्यास किया जाए तो जिन बच्चों के कद की वृद्धि ठीक प्रकार से नहीं हो पा रही वह होने लगती है। तो नियमित रूप से इन अभ्यासों को अपने जीवन में करके आप लाभ ले सकते हैं। धन्यवाद।